हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है, 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं, तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो, तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट से बनाता है, वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय फिर उपसभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूँ कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें, यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी।